Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And... Hello, students. Welcome to Lakshya Academy, Abhor. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture student today is number 5, which is from the chapter 2, Inverse Trigonometric Function of class 12th. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture, firstly part 4. Today is part 4, examples of the inverse trigonometry function. Aaj ka jo lecture hai, most important lecture hai. क्योंकि आपके जो लेक्चर के अंदर मैं एग्जांपल्स करवाने वाला हूं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है. तो ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स आवर लेक्चर टुडे. स्टूडेंट फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 19. देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कहता है शो दैट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर को इसके इक्वल प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट हम पुट करेंगे पुट एक्स के इक्वल टू कोस थीटा. मैंने ऐसे क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास को पता है कि यहां पे बनेगा कि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा. इसी तरीके से बनेगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कंडीशन बने कि 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कोस थीटा जो होता है स्टूडेंट किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. स्क्वायर आने के बाद ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. इस कारण मैंने किया कि पुट किया एक्स स्क्वायर को कोस थीटा, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे ये प्रूव करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसके अंदर पुट करेंगे कि टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा. ओके स्टूडेंट्स, इधर एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट किया कोस थीटा पुट किया. तो ये आपके पास ये इक्वेशन बनी. अब 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू को ये पुट करेंगे और 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे वैल्यू ये पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए टैन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ठीक है सुन, अब इसके बाद क्या बनेगा स्टेप, टैन इनवर्स देखिए रूट 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, इधर भी रूट टू से रूट टू क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा तो रूट टू बाय रूट टू ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ऊपर क्या बचेगा कोस से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से तो ऊपर बनेगा कोस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू. ओके स्टूडेंट्स, और नीचे का बचेगा आपके पास कोस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू. ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जब भी आपके पास ये फॉर्म बन जाए कि कोस ए प्लस साइन बी प्लस अपॉन कोस ए माइनस साइन बी तो हम क्या करते होते हैं कोस ए से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. जब आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करोगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कोस थीटा बाय टू से तो देयर फोर देखिए क्या बनेगा टैन इनवर्स कोस थीटा बाय टू अपॉन कोस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू अपॉन कोस थीटा बाय टू अपॉन में तो कोस थीटा बाय टू अपॉन कोस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू अपॉन कोस थीटा बाय टू. ठीक है सुन, जब भी आपके पास इस तरीके से फॉर्म बनती है कोस ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस साइन बी तब आपने क्या करना है कोस ए से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे. ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा 1 प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन ए. इसका फार्मूला आता है टैन 45 प्लस थीटा का फार्मूला आता है. इस तरीके से ये फार्मूला बनाने के लिए हम ये ज्यादा प्रोसीजर यूज करते हैं. तो ये बनेगा टैन इनवर्स 1 प्लस
साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा बाय टू अपॉन इधर बनेगा वन माइनस टेन थीटा बाय टू। तो वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होता है सुन, टेन फोर्टी फाइव प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो देयर फोर आपके पास क्या बनेगा, टेन इनवर्स टेन 45 को पाई बाय 4 लिख देंगे, ऊपर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, थीटा क्या के पास थीटा बाय 2। ठीक है चुन, यहाँ पे रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो कि 1 प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए किसके इक्वल होता है, टेन पाई बाय 4 प्लस ए के। ओके स्टूडेंट्स, अभी टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास वैल्यू बनेगी पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय टू। थीटा की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, पाई बाय फोर प्लस वन बाय टू। देखिए थीटा की वैल्यू क्या थी, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू को हम नीचे पुट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, वन बाय टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड, यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देखिए सुन आपको एक बार रिपीट करा रहा हूं, ये आपको बस क्वेश्चन दिया बता कि टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने कोस थीटा लेट किया, थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स एक्स, तो इसकी जब एक्स स्क्वायर कोस थीटा लेट किया तो ये बना 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इधर वैल्यू पुट करने के बाद तो ये रूट टू से रूट टू कॉमन आ जाएगा, नीचे भी रूट टू से रूट टू कॉमन आ जाएगा, ये दोनों हो गए कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बाय 2 ये इधर बचेगा प्लस साइन थीटा बाय 2, नीचे कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। जब भी ये फॉर्म बनती है आपके पास तो हम क्या करते हैं कोस ए से डिवाइड करते हैं, इधर एक क्या चीज है थीटा बाय 2, तो मैंने दोनों तरफ ऊपर और नीचे का किया cos थीटा बाय 2 से डिवाइड किया, तो ये फॉर्म बनी 1 प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए, ये किसके इक्वल होता है टेन 45 प्लस ए के इक्वल होता है, तो मैंने इसकी जगह पे वैल्यू पुट की टेन 45 प्लस थीटा बाय 2, क्योंकि इधर ए एंगल जो है वो थीटा बाय 2 है, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, जो चीज प्रूव करनी थी वो आपके पास क्या हो जाएगी प्रूव। ठीक है सुन, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था, ये था एग्जाम्पल नंबर 19। आइए करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 20। देखिए सुन एग्जाम्पल नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है सुन, देखिए सॉल्यूशन सुन, मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास ऐसे आ जाए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 को हम लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को क्या लिखेंगे, देखिए 1 को आप क्या लिखोगे कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को आप क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। ऐसा क्यों करना है चुन, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का या a माइनस बी का होल स्क्वायर का। जब भी आपके पास ऐसे फार्मूला आ जाए कि 1 फॉर्म आ जाए कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो आपने 1 को तो ये पुट करना है और साइन एक्स को ये वैल्यू पुट करोगे। अब इसके अंदर पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं स्टूडेंट कि कोट इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे कोट इनवर्स स्केयर रूट ऑफ, अब देखो वन की जगह पे ये पुट करेंगे वैल्यू को और साइन एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बनेगा कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू। ओके स्टूडेंट्स, प्लस स्केयर रूट ऑफ वन, वन की जगह पे लिखेंगे कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाय टू माइनस टू कोस एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स बाय टू। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे नीचे आप लिख दोगे नीचे भी क्या लिखोगे सेम इसी तरीके से कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू कोस एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स बाय टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस
2 cos x by 2 into sin x by 2. Okay students, अब देखिए ये फार्मूला बना, a square plus b square plus 2ab, और ये जो बना a square plus b square minus 2ab. ओके सुन, ये तो बन गया a plus b का whole square का फार्मूला. तो देखिए जब ये फार्मूला यूज करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, cot inverse, ऊपर तो बनेगा a plus b का whole square का, ठीक है सुन, स्केयर से रूट क्या आ जाएगा सुन, कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा, प्लस सेम इसी तरीके से कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्केयर, और जो स्केयर रूट है वो क्या आ जाएगा, कैंसल. सेम नीचे तरीके से नीचे भी लिखेंगे कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्केयर, स्केयर से रूट कैंसल, माइनस कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बना स्टेटमेंट. अब देखिए क्या बना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, कोट इनवर्स, ऊपर आके बचे क्या बचेगा कि कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन, नीचे बनेगा कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ये बाहर माइनस है तो दोनों निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इसके दोनों निशान क्या हो जाएंगे, चेंज. ये जगह माइनस का कोस एक्स बाय टू, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन एक्स बाय टू. अब जो कैंसिल होता है सो कैंसिल कर दो, ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म कैंसल, ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म कैंसल, तो ऊपर बचा कोस एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू, तो इसको क्या लिखेंगे, टू कोस एक्स बाय टू. ठीक है स्टूडेंट, इसको लिखेंगे कोट इनवर्स टू कोस एक्स बाय टू अपॉन टू साइंस एक्स बाय टू. ओके स्टूडेंट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा कोट इनवर्स कोट एक्स बाय टू, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच्चा एक्स बाय टू. तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था राइट हैंड साइड. ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रूव करना है. देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे, कि आपको ये क्वेश्चन दिया था, वन की जगह पे मैंने पुट किया है कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाय टू, और साइन एक्स की जगह पे पुट कर दिया टू साइन एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू. ठीक है सर, मैंने सभी की जगह पे पुट कर दिया, वन की जगह पे देखिए ये पुट किया और साइन एक्स की जगह पे पुट, सभी के अंदर ये चीज की लगाया तो फार्मूला लगाया ए प्लस ए, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्म बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल, सभी के अंदर ये चीज किया. ऊपर बचा का कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, इधर बचा कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ये बार माइनस था तो दोनों निशान को चेंज कर दिया, जो चीज कैंसिल होगी उसको मैंने क्या कर दी, कैंसिल. तो कोस साइन क्या होता है, कोट, तो कोट से कोट क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, एक्स बाय टू. यही हमने क्या करना था, क्वेश्चन प्रूव करना था, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को प्रूव कर दिया. ओके सुन, ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 20 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया. आइए अब करते हैं एग्जांपल नंबर 21. देखिए सुन, एग्जांपल नंबर 21 सॉल्यूशन, देखिए सुन क्या कहता है, इफ टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 वेयर एक्स वाई लेस देन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई. आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, आपको ये दिया हुआ tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi by 4. तो लेके चलते हैं here tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi by 4. आपको पता है स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है tan inverse a plus tan inverse b का, क्या फार्मूला होता है, tan inverse a plus b upon 1 minus ab. ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला यूज किया हमने, 1 a plus b upon वन माइनस ए बी, इस टेन को इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन पाई बाय फोर. टेन पाई बाय फोर किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है. ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो आपके पास बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई, एक्स वाई को इधर ले आओ तो ये बनेगा x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई किसके कल आ गया, वन के। हमने इसकी ही वैल्यू को फाइंड करनी थी जो आपके पास आ गई वन, हैंस प्रूव। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था, वन मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना था। तो जो गिवन दिया था उसको हम लेके चले, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू किसके है पाई बाय फोर। टेन इनवर्स को इधर लेके आया तो ये किसके में चेंज हो गया, टेन वाई में। टेन पाई बाय फोर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है वन, तो इसको मैंने कहा डिनोमिनेटर में था, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी, माइनस का एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई की जो वैल्यू आई है वो किसकी इक्वल आ गई वन के, हमने इसकी ही वैल्यू को फाइंड करना था जो आपके पास आई है वन। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये था एग्जाम्पल नंबर 21 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, देखिए नंबर 22 नंबर एग्जाम्पल, देखिए सोल्यूशन कहते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड किसके इक्वल है पाई के, और ये चीज हमने क्या करनी है प्रूव करनी है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि तीन के अंदर, तीन टर्म्स के अंदर टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, तो वो ही फार्मूला हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो ये जो कंडीशन है उसको लेके चलेंगे, हेयर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, इसका फार्मूला यूज करोगे तीनों का। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये स्टूडेंट मैंने आपको फार्मूला के टाइम करवाया था, अगर तीन आपके पास आ जाए टेन इनवर्स के अंदर तो उनका सम जो होता है वो इसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू पाई। टेन इनवर्स को हम इधर ले आएंगे, टेन इनवर्स को राइट हैंड से लेके आओगे तो आपके पास बनेगा टेन पाई। चुन आपको पता है कि टेन पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, टेन पाई किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है, तो टेन पाई की वैल्यू हम कर देंगे जीरो। इधर क्या बनेगा आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके इक्वल हो जाएगा टेन पाई के। टेन पाई का मतलब जीरो, तो मतलब ये जो टर्म है वो इक्वल टू क्या आ जाएगी जीरो की इक्वल हो जाएगी। तो देयर फोर आपके पास क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया जीरो के। इसको हम इधर ले आएंगे राइट आंसर पे तो आपके पास जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही हमने चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये था एग्जाम्पल नंबर 22 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड किसके इक्वल था पाई के इक्वल था। तो मैंने इसका फार्मूला यूज किया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई। तो टेन इनवर्स इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब टेन पाई, टेन पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या किसके इक्वल होती है जीरो के। तो डिनोमिनेटर में इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड किसके इक्वल हो गया जीरो के। माइनस एक्स वाई जेड को इधर लिखाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो हमने जो प्रूव करना था स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए 23 नंबर एग्जाम्पल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्यूशन, ध्यान से समझना सुन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, चार मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। कहता है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, और ये चीज हमने क्या करनी है शो करनी है। ठीक है सुन, तो मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लेंगे, साइन इनवर्स वाई को बी लेट कर लेंगे और साइन इनवर्स जेड को सी लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी,
और एंड साइन इनवर्स जेड इक्वल टू सी। तो देयर फोर यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए, वाई की वैल्यू यहां से क्या आएगी, साइन बी, और यहां से जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन सी। ओके स्टूडेंट्स, ये आगे बस बन गया। अब अगर मैं तीनों वैल्यू अगर इधर पुट करूं तो देयर फोर आगे बस क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, पाई के। ओके स्टूडेंट, यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से जो वैल्यू निकलेगी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई माइनस सी। एक तो वैल्यू ये निकल सकती है जो अपने को चाहिए, ए प्लस सी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो क्या बनेगी, पाई माइनस ए प्लस बी। इसी तरीके से आप बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, पाई माइनस ए प्लस सी, और इसी तरीके से ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है सर, मतलब मैंने दो वैल्यू फाइंड करी है अब, ए प्लस बी की और सी की, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमने को यूज करनी है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखिए आपके पास बना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इससे मैंने दो वैल्यू निकाल ली, ए प्लस बी की और एक सी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को हम यूज करेंगे। अब देखिए आपने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। ध्यान से समझा, सुन एक एक स्टेप। x की वैल्यू क्या थी आपके पास, x जो था वो साइन ए के इक्वल था, y साइन बी के, और z जो है साइन सी के। वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस y की वैल्यू क्या है, साइन बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस z की वैल्यू क्या है, साइन सी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ओके स्टूडेंट, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। कोस स्क्वायर ए से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो बचेगा साइन ए इंटू इसकी वैल्यू आएगी कोस ए प्लस इसके इस तरीके से साइन बी इंटू कोस बी प्लस साइन सी इंटू कोस सी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास बन गया। अब आप स्टूडेंट क्या करना है, देखिए साइन ए कोस ए, साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी, अगर फार्मूला होता है स्टूडेंट्स आपके पास ये बना, साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी। तो आगे बताया कि स्टूडेंट टू साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है, साइन टू ए के। तो हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को टू से डिवाइड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वन बाय टू बाहर ले लेता हूं, इधर लिख देंगे टू साइन ए कोस ए प्लस टू साइन बी इंटू कोस बी प्लस टू साइन सी इंटू कोस सी। तो इधर फार्मूला बना, तो इधर फार्मूला क्या बनेगा, टू साइन ए कोस ए साइन टू ए प्लस टू साइन बी कोस बी साइन टू बी और टू साइन सी कोस सी साइन टू सी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी बना। तो मैं पहले दो को लेके चल रहा हूं, इधर फार्मूला यूज करूंगा साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन वी नो दैट लिख देते हैं कि वी नो दैट कि साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला कि टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कोस सी माइनस डी बाय टू। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम इस स्टेप के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो लगाएंगे फार्मूला, तो देखिए क्या बनेगा, वन बाय टू, तो आपके पास क्या है, साइन टू ए प्लस साइन टू बी, तो बनेगा टू साइन टू ए प्लस टू बी बाय टू, टू साइन टू ए प्लस टू बी बाय टू इंटू कोस टू ए माइनस टू बी बाय टू। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में क्या था, प्लस साइन टू सी प्लस साइन टू सी। ओके स्टूडेंट्स, तब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा वन बाय टू, टू साइन
इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो a प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ठीक है, बी प्लस साइन 2c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने करना है क्या स्टूडेंट्स, ये जो a प्लस बी है इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने फाइंड की थी कि a प्लस बी किसके इक्वल है पाई माइनस सी के, और c की वैल्यू पुट करेंगे पाई माइनस ए प्लस बी की। तो देखिए इधर फार्मूला लगाओ a प्लस बी का, तो 1/2 इंटू में साइन ए प्लस बी की जगह पे लिख सकते हैं पाई माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट, इंटू में कोस ए माइनस बी, ओके स्टूडेंट्स, प्लस साइन 2c की जगह पे आ जाएगा 2 sin c इंटू कोस सी, फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट इसके अंदर कि साइन पाई माइनस सी कि साइन 180 डिग्री में से कुछ माइनस कर रहे हो, जब 180 कुछ डिग्री में से कुछ माइनस करोगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा साइन सी, तो इस मीन्स 1/2 2 sin c इंटू कोस ए माइनस बी प्लस 2 sin c कोस सी। अब देखिए 2 sin c इधर है 2 sin c इधर है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1/2 2 sin c कॉमन आया, तो अंदर बचा के बस कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। अब इधर c की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, c की वैल्यू क्या थी देखिए पाई माइनस ए प्लस बी, ये वैल्यू को हम पुट करेंगे कि पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा 1/2 2 sin c ये बनेगा कोस ए माइनस बी प्लस कोस पाई में कुछ माइनस करेंगे तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 में कुछ डिग्री माइनस करते हो तो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी बनेगी को माइनस कोस ए माइनस बी, तो 1/2 2 cos 2 sin c कोस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू बनेगी माइनस कोस ए प्लस बी। तो स्टूडेंट ये फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा साइन सी, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b का, कि 2 sin a sin b किसके लिए होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो इसके जगह पे मैंने क्या फार्मूला लगा दिया 2 sin a sin b, तो इट्स मीन्स तो आगे बाद फार्मूला बना 2 sin a into sin b इंटू साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए साइन ए की वैल्यू क्या थी x के इक्वल है, साइन बी y के इक्वल है, और साइन सी z के इक्वल है, तो मैं तीनों की वैल्यू को यहां पे पुट करूंगा तो ये बनेगा 2xyz जो कि आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, हैंस प्रूव, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जाम्पल नंबर जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूं, कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड किसके इक्वल है पाई के, कहते देन शो दैट, ये आपने शो करना था, मैंने सबसे पहले क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को ए लेट किया, फिर साइन इनवर्स एक्स को बी लेट किया, फिर साइन इनवर्स एक्स को सी जेड को सी लेट किया, यहां से एक्स की वैल्यू आई एक्स इक्वल टू साइन ए, वाई इज इक्वल टू साइन बी एंड जेड इक्वल टू साइन सी। ओके स्टूडेंट, जब ए साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई साइन वर्स जेड की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मैंने यहां से क्या किया ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड किया वो आपके पास आई है पाई माइनस सी के इक्वल, और एक सी की वैल्यू को फाइंड किया तो पाई माइनस ए प्लस बी, इन दोनों की वैल्यू को हम आगे जाके यूज करेंगे। अब देखिए जो चीज प्रूव करनी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चला, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चला, इसमें x की वैल्यू पुट की साइन ए, y की वैल्यू पुट की साइन बी और z की वैल्यू पुट की साइन सी, तो 1 माइनस साइन स्केयर ए कोस स्केयर ए के इक्वल होता है, कोस स्केयर का ए का जो स्केयर रूट होता है वो किसके होता है कोस ए के, तो ये साइन ए कोस ए, साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो बना 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है साइन 2 ए के, 2 साइन बी कोस बी
साइन टू बी के, टू साइन सी कोस सी, साइन टू सी के इक्वल होता है। तो मैंने फर्स्ट टू पार्ट्स को एक पैकेट में लिया, तो मैं इधर फार्मूला यूज कर रहा हूं साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो सी की वैल्यू टू ए है और डी की वैल्यू टू बी है, तो मैं इसके अंदर फार्मूला यूज करेंगे। तो मैंने फार्मूला यूज किया तो बना वन बाई टू, टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन टू सी, ऐसे कैसे। तो इसको सोल्व करा तो आगे बस ये बना, तो मैंने ए प्लस बी की वैल्यू को यहां पुट किया पाई माइनस सी। तो 180 में कुछ माइनस करेंगे कौन से क्वार्टर में जाएगा, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये बना साइन सी और बाकी टर्म, और साइन टू सी की जगह मैंने लिखा टू साइन सी कोस सी। अब टू साइन सी इधर है और टू साइन सी इधर है, दोनों में से कर लिया कॉमन, तो टू साइन सी कॉमन आया, तो इधर बच्चा कोस ए माइनस बी, इधर बच्चा कोस सी। अब मैंने इस सी की वैल्यू को यहां पुट किया पाई माइनस ए प्लस बी, तो पाई 180 में कुछ माइनस करेंगे कौन से क्वार्टर में लाई करेगा, सेकंड क्वार्टर में लाई करेगा। सेकंड क्वार्टर में क्या होता है कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये लिखा माइनस कोस ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, इसकी मैंने कोस ए माइनस बी की जगह पे लिखा माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है टू साइन ए साइन बी के इक्वल होता है। ये टू से टू कैंसिल कर दिया तो ये बना टू साइन ए साइन बी साइन सी। साइन ए किसके इक्वल था एक्स के, साइन बी किसके इक्वल था वाई के, और साइन सी किसके इक्वल था जेड के। तो ये हमने प्रूव करना था टू एक्स वाई जेड जो कि आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 23 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। आइए लास्ट एक एग्जाम्पल करेंगे, तीन मिनट और लूंगा पांच मिनट, एक लास्ट एग्जाम्पल है फिर आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बस लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर मैं आपको घर से करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाने सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू पाई। ओके स्टूडेंट, आपने पाई के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, ये जो चीज है इसको मैं लेट कर लेता हूं ए, इसको लेट कर लेता हूं बी के इक्वल है, और इसको लेट कर लेता हूं सी के इक्वल है। ठीक है, तो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी फिर, अगर ये ए ये बी और ये सी है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी कि टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी प्लस टैन इनवर्स सी किसके इक्वल हो जाएगा पाई के। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड को जोड़ते नहीं है, तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये फार्मूला होता है किसके इक्वल होता है टैन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब सुन, अब ये फार्मूला यूज करते हुए हम ये वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझना ये लगेगा एक एक स्टेप। तो देखिए स्टूडेंट्स, टैन इनवर्स तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ये देखिए सुन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले लिख लेते हैं स्केयर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई जेड प्लस स्केयर रूट ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड एक्स, फिर प्लस स्केयर रूट ऑफ जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई माइनस तीनों की मल्टीप्लिकेशन। तो स्केयर रूट के अंदर सभी के अंदर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए एक्स वाई जेड, तो ये बनेगा एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक इधर है इधर भी है और इधर भी है तो तीन बार है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। नीचे देखिए वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे क्या है वाई जेड, इन दो दो की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे वन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने क्या कहा एक्स इंटू वाई अपॉन वाई एक्स जेड स्क्वायर, मतलब एक्स वाई जेड स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर माइनस
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये बनेगा वाई और जेड, नीचे बनेगा जेड वाई एक्स स्क्वायर, वाई जेड एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर माइनस, अब पहली और तीसरी की मल्टीप्लाई करनी है, जेड को एक्स से करेंगे जेड एक्स, और नीचे के एक्स वाई को वाई जेड से करेंगे तो जेड एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे करना है। अब देखिए ये एक्स वाई जेड स्टूडेंट, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है, जिसमें स्क्वायर में से एक एक्स प्लस वाई जेड कॉमन को बाहर आ जाएगा, तो आगे बस देखिए क्या बनेगा। और इन तीनों में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉमन। तो देखिए क्या बनेगा, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, टैन इनवर्स, ध्यान सुन रहा, इन तीनों में से तो आगे पास कॉमन आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में एक्स पॉन वाई जेड, देखिए इधर एक्स पॉन वाई जेड, प्लस इधर बचेगा वाई पॉन जेड एक्स, प्लस इधर बचेगा जेड पॉन एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर माइनस, ये देखिए वन पॉन में एक्स वाई जेड, और इधर एक्स प्लस वाई जेड का होल क्यूब है, स्केयर से तो एक तो आ जाएगा बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और स्केयर रूट में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तीन थे, स्केयर वाले को मैंने बाहर निकाल दिया, एक सिंगल रह जाएगा सिंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में क्या बनेगा, देखिए वन माइनस, यहां से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, ये स्केयर से कैंसिल, तो आपके पास बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई जेड, वाई जेड जेड, क्योंकि एक्स वाई से कैंसिल हो गया, जेड स्केयर था तो जेड बचेगा, इधर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स, फिर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में वाई। ठीक है सुन, ये आपके पास बना। अब देखिए सुन करना क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्केयर रूट ऑफ एक्स वाई जेड से। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टैन इनवर्स, इस स्टेप को ध्यान से समझना, मेन स्टेप है इसका, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड को इससे मल्टीप्लाई करोगे तीनों से, तो देखिए क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड माइनस वाई अपॉन जेड एक्स इंटू एक्स वाई जेड माइनस जेड अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट, फिर माइनस ये वाली टर्म ऐसे ही ऐसी। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस, देखिए एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, तो वन माइनस एक्स वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा वन पॉन जेड माइनस प्लस वन पॉन एक्स प्लस वन पॉन वाई। आप देखिए चुन, ये वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इधर बचेगा स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर, स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर, स्केयर रूट ऑफ जेड स्केयर, स्केयर से रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बचेगा, देखिए यहां से एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इधर प्लस है स्टूडेंट, क्योंकि इधर बीच में प्लस था, तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक्स स्केयर बनेगा, स्केयर से रूट कैंसिल तो एक्स बचेगा, वाई स्केयर बनेगा, वाई स्केयर से रूट कैंसिल वाई बचेगा, और यहां से जेड स्केयर बचेगा तो जेड, और इधर टर्म क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड, फिर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या के पास, वन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड कॉमन लीजिए, तो ऊपर बनेगा एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये प्लस की टर्म है पूरी, और ये पूरी टर्म माइनस की है, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या कैंसल, तो ऊपर जीरो बाय समथिंग जीरो होता है,
तो tan इनवर्स जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो tan इनवर्स जीरो, तो tan इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, जीरो की वैल्यू, जीरो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, tan इनवर्स के अंदर देखो tan इनवर्स जीरो किसकी वैल्यू होती है, tan पाई की वैल्यू होती है। तो tan इनवर्स tan पाई, तो tan से tan कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा पाई, यही आपके पास क्या था राइट हैंड साइड जो आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, ये एक बार मैं रिपीट करा रहा हूं, ये आपके पास क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 24, कहते प्रूव दैट दिस इक्वेशन इक्वल टू पाई। तो मैंने इसको लेट किया ए, इसको लेट किया बी और इसको लेट किया सी के इक्वल, तो ये बना टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी प्लस टैन इनवर्स सी। तो इसका फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मैंने ए बी सी की वैल्यू को सभी के अंदर पुट किया, तो ए बी सी की वैल्यू को मैंने देखो पुट किया, तो ये आपके पास ये चीज बने। देखो ए बी सी, ए बी सी कैसे लिखा, देखिए तीनों को मल्टीप्लिकेशन करना था, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड लिखा, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई सारे दो दो थे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीन टाइम था, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे गया, अब देखिए यहां से एक्स वाई कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, यहां से कैंसिल कर दिया, क्यूब था स्केयर वाली टर्म तो बारह आ गई और एक सिंगल यहां पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। यहां से मैंने स्केयर से कैंसिल करके एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड बनाया, इसी तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स बना और यहां से एक्स प्लस वाई अपॉन जेड अपॉन वाई बना, क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इतनी इतनी वाली, इतनी इतनी इक्वेशन को मैंने स्केयर रूट ऑफ एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई इसको अंदर लेके गया, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बार क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बनेगा स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर, यहां बनेगा स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर, यहां बनेगा स्केयर रूट ऑफ जेड स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट का कैंसिल, तो बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बना एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये वाली टर्म जो है वो अभी सेम, ठीक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये टर्म क्या है सेम, और ये पूरी टर्म प्लस की ये पूरी टर्म माइनस की, दोनों क्या होगी कैंसल, कैंसल होने के बाद तो इसकी जीरो बाई समथिंग कुछ हो तो जीरो होता है, तो टेन इनवर्स जीरो किसके लिए होता है टेन पाई के, टेन से टेन कैंसल तो किसके को लगा पाई के, यही हमने प्रूव करना था हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे टोटल छह क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए, ये था एग्जांपल नंबर 24 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। जो इससे पहले वाला जो एग्जांपल था एग्जांपल नंबर 23, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल था स्टूडेंट, क्योंकि ये जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता होता है, बाय 6 मार्क्स क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे टोटल सारी एग्जांपल्स, इंपोर्टेंट एग्जांपल्स। आज का लेक्चर जो था बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत रिपीट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।